चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अंसारी एकता जिंदाबाद, अंसारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों जहां एक ओर पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं सरकार द्वारा लाई गई ट्रांसफर पॉलिसी नीति के विरोध में सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल के दाम जहां 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, वहीं रसोई गैस 850 से ऊपर चल रही है। एक और जहां महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं सरकार द्वारा आए दिन गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने परिचौक के समीप जीरो पॉइंट पर धरना प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जीरो पॉइंट पे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सारे सिपाही इकट्ठे हुए हैं और आज हम बढ़ती महंगाई के विरोध में यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे गैस सिलेंडर हैं, खाली हैं, हम पे भरवाए नहीं गए, हम पे भरवाए तो नहीं गए, 850 ये पहुँच गए हैं। कभी ये 350 हुआ करते थे तो हम भी इन्हें भरवा लेते थे, आज हम इन्हें ले आए हैं कि भाई अच्छा। दूसरी बात ये है कि 107 रुपये कहीं कहीं पेट्रोल पहुंच गया और डीजल जो है मैंने कल ही भरवाया है 90 से ऊपर क्रॉस कर गया। 210 रुपये का तो आप सरसों का तेल ले रहे हो जो कि 65 रुपये में था। आज हम अपने घर में अगर कोई मेहमान आया तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में क्या कचौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, लेकिन सब लोग भूल गए हैं क्योंकि एक वो कहते हैं कि कचौड़ी पूड़ी में तो बड़ा तेल वेस्ट होता है। अरे यार, तुम एक काम करो, सूखी रोटी मिल जाए। सरकार द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी नीति लागू किए जाने के विरोध में ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस कारण कार्य सुचारू रूप से ना हो पाने के कारण अस्पताल में मरीजों की काफी लंबी लाइन लग गई। यह धरना प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चला। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मांग लेती तथा इन नीतियों में बदलाव नहीं करती, तब तक हमारा यह प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी हम यह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कोई टाइम नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, इसके बावजूद हमने राष्ट्र सेवा समझते हुए इस काम को किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी बार बार हमारे लोगों के ऊपर एक तलवार लटकाई जा रही है लखनऊ में। किसको कितने दिन कहाँ हो गए, इनके नाम लाओ, इनकी सूची लाओ, इनकी लिस्ट लाओ। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, वो 20-20 साल से बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं, बार बार ये चलाया जाता है। हम लोगों की डिमांड ये है भाई, कोविड का सीजन चल रहा है, दिन रात फिलहाल हम लोगों ने मेहनत की है, 2 साल से हम लोग अव्यस्त थे बिल्कुल, पारिवारिक रूप से भी, मानसिक रूप से कम जो ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण हैं फिलहाल वही किए जाएँ, जनरल पॉलिसी बना के हम लोगों को फिलहाल डिस्टर्ब ना किए जाए, क्योंकि हम लोग फिलहाल स्थिति में नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी 25% आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, आज तक वो भी किसी को नहीं मिली। 2020 जनवरी से DAB किसी को नहीं दिया गया। ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत अपने लगन से, मेहनत से कार्य कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। ऐसे समय में आपके सामने ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है सरकार, एक दमनकारी नीति ला रही है, इसका सब विरोध करेंगे। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, कल भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा और सोमवार को 12 तारीख को लखनऊ में महानिदेशालय का घेराव किया जाएगा। जिस स्तर तक जाना होगा हम उस स्तर जाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी सरकार हड़ताल पे जाएंगे। हमसे टकराएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। अभी तो अंगड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार शर्मा के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।